जो भी सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करता है वो सभी अवतार कहलाते हैं। व्यक्ति से लेकर समाज के सर्वोच्च स्तर तक सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने के क्रम में ही विभिन्न कोटि के अवतार स्तब्ध होते हैं। अंतिम सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने वाला ही अंतिम अवतार के रूप में व्यक्त होगा। अब तक हुए अवतार श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि को हम सभी उनके होने के बाद उनके जीवन काल की अवधि में या उनके शरीर त्याग के बाद से ही जानते हैं, परंतु भविष्य अर्थात आने वाले कल के लिए कल्पित एकमात्र महाविष्णु के 24 अवतारों में 24वां और प्रमुख अवतारों में 10वां और अंतिम कल्कि अवतार के विषय में जो परिकल्पना है वह कल्कि महापुराण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में से एक है। इस पुराण में भगवान विष्णु के 10वें तथा अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि विष्णु का अगला अवतार महाअवतार कल्कि होगा। कलयुग जिससे इस दिनों हम गुजर रहे हैं अपनी प्रौढ़ता के समापन काल पर है, वह ऐसे में उस अवतार की प्रतीक्षा सबको है जो अविवेक, दुर्बुद्धि, निष्ठुरता, अधर्म का नाश और धर्म की सत्प्रवृत्तियाँ की स्थापना करेगा। आइए जानते हैं कि कल्कि अवतार के जन्म के विषय में पुराणों में क्या लिखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइम टेल्स में। इतिहास में सुपैनों की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। वही इस चराचर जगत के सच्चे शिक्षक और सदगुरु हैं जो साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काट कर उन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने के लिए अवतार लेते हैं। कल्कि महापुराण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में से एक है। यह एक उप पुराण है। इस पुराण में भगवान विष्णु के 10वें तथा अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है। कल्कि पुराण में बताया गया है कि संभाल नामक गांव में विष्णु यश की पत्नी सुमति के गर्भ से भगवान कल्कि अवतार लेंगे। भगवान कल्कि के शिशु रूप के दर्शन के लिए परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक के वेश में आएंगे। इसी से जुड़े लोग ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभाल में भगवान कल्कि अवतार लेंगे और इसलिए वहाँ कल्कि भगवान का एक भव्य मंदिर पर स्थापित किया गया है। संभल के इस मंदिर में भगवान कल्कि की मूर्ति को छूना सभी भक्तों के लिए मना है। पुजारी के अलावा अन्य सभी भगवान कल्कि की मूर्ति का दर्शन दूर से कर सकते हैं। इसी मंदिर परिसर में भगवान शिव का भी एक अनोखा मंदिर है, परंतु यह भी हो सकता है कि कालांतर में कोई संभल नाम का दूसरा गाँव अस्तित्व में आ जाए। भगवान परशुराम स्वयं भगवान कल्कि को वेद अध्ययन कराएंगे। भगवान शिव से उन्हें अस्त्र और तलवार की प्राप्ति होगी। पुराणों में यहाँ तक लिखा गया है कि भगवान कल्कि देवदत्त नाम के सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुश्मनों का वध करेंगे और इसके साथ ही कलयुग का अंत होगा। एक बार धरती से सारा पाप मिट गया तब यहाँ एक बार फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान कल्कि के पास ऐसी शक्ति होगी जिसके जरिए वो समय का मार्ग बदल देंगे और हर गलत को एक बार फिर से सही कर देंगे ताकि इंसान सतयुग का आनंद उठा सके, धरती पर धर्म की स्थापना हो और विश्व में शांति, खुशहाली, न्याय और भगवान के प्रति आस्था का एक बार फिर से जन्म हो। कल्कि अवतार के इस पद पर अनेक स्वघोषित दावेदार हैं जो समय समय पर भविष्यवाणियों के अनुसार स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश और कल्कि अवतार संबंध में अनेक भविष्यवाणी करते रहते हैं। दोस्तों, हमें ये जानना चाहिए कि काल और युग परिवर्तन के परिचय कराने के लिए योगानुसार आत्म तत्व को व्यक्त करना पड़ता है। उसी सार्वभौम सत्य को युगानुसार योग कराया जाता है। केवल भीड़ इकट्ठा हो जाने से कुछ भी नहीं होता। अवतारों को पहचानने के लिए सबसे मूल विषय यह होता है कि वो नया क्या दे रहा है, जो समय के समाज के बहुमत मानव के शांति, एकता, स्थिरता और विकास को प्रभावित करता हो। कल्कि अवतार के संबंध में भी हमें यह देखना भी बाकी है कि वो इस समाज को क्या कुछ नया देते हैं।